Hey friends, welcome. Welcome back to educational channel by Ritashu. कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं और इनके कुछ उदाहरण. So without much further ado, let's get started. किसी शब्द के अनेक अर्थ होने को अनेकार्थक शब्द कहते हैं. ऐसे शब्द अनेक अर्थों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे अक्षर नष्ट ना होने वाला, वर्ण ईश्वर, अज जन्म ना लेने वाला, ब्रह्मा बकरा, अर्थ धन ऐश्वर्य, तात्पर्य हेतु, अंबर आकाश कपड़ा, एक सुगंधित द्रव्य, अर्क सूर्य, आग का पेड़, दवाइयों का रस, अधर नीचे निचला, होंठ, आराम बाघ, विश्राम रोग का दूर होना, उत्तर जवाब, बाद का उत्तर पद, दिशा विशेष, कर हाथ किरण, टैक्स हाथी की सूंड, कनक सोना, धतूरा गेहूं, कल चैन बीता हुआ दिन, आने वाला दिन मशीन, काल समय मृत्यु यमराज, काम कार्य पेशा धंधा वासना कामदेव, कोश खजाना फूल के भीतर का भाग, गुण कौशल शील रस्सी स्वभाव धनुष की डोरी, धन बादल भारी हथौड़ा, घना जलज कमल मोती मंडली चंद्रमा शंख, तात पिता भाई बड़ा पूज्य प्यारा मित्र, दल समूह सेना पत्ता हिस्सा पक्ष भाग, द्विज ब्राह्मण पक्षी दांत दो बार जन्म लेने वाला, नग पर्वत वृक्ष नगीना, नाक नासिका स्वर्ग, नाग सांप हाथी नाग जाति, पयोधर बादल स्तन पर्वत गन्ना, फल लाभ मेवा नतीजा भाले की नोक, पतंग सूर्य उड़ाने वाली पतंग, पक्षी विशेष प्रकार का कीड़ा, बाल बालक केश दाने युक्त डंठल, मधु शहद मदिरा चैत्र मास एक दैत्य बसंत, राशि समूह मेष आदि राशियां, रकम वर्ण अक्षर रंग ब्राह्मण आदि वर्ण, सारंग मोर सरप मेघ हरिण पपीहा हाथी कोयल सिंह भोरा, सर तालाब शिर अमृत दूध पृथ्वी, हरि हाथी विष्णु इंद्र सिंह सर्प वानर हंस किरण. Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Bye for now. Have a good day and take care.